आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप किसके बारे में क्या बोलिए। समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे हैं। जी मैम एक बात समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुँचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में। भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बारात घर है कोई? अभी आमने सामने है कोई भी बारात घर है? रास्ता है? बात रख रहा, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो बात तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है अभी समय नहीं निकला है, ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा। आया अच्छा, हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किया। बुला रहे हैं वो? लेकिन FIR जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से? नहीं मैं मंच पर नहीं चढ़ाऊँ, मैं पीछे इजाजत ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाजत ली, उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सबूत तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब कोई गलत, जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आइए आपको। अरे पुलिस पकड़ के लेकर आइए जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो जी? अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी जमानत। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? मैंने किए थे।